गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन क्योंकि मेरी ऑटोबायोग्राफी, मेरी आत्मकथा आप लोगों के सामने आ रही है। इतना वैरायटी वाला लाइफ आपको किधर मिलेगा? मैं बेवड़ा हूँ, ठरकी हूँ, ड्रग एडिक्ट हूँ, सब हूँ, लेकिन टेररिस्ट नहीं। आपके पास AK-56 थी? बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। मैंने पहली बार ड्रग्स लिए क्योंकि मैं डैड से नाराज था, दूसरी बार क्योंकि माँ बीमार थी, तीसरी बार तक मैं ड्रग एडिक्ट बन चुका था। अपनी बीवी के अलावा तुम और कितनी औरतों के साथ सोए हो? प्रोस्टिट्यूट्स को गिनूं या उनको अलग? नहीं, उनको अलग रखता हूँ। 308 तो याद है। चलो आप सेफ्टी के लिए 350 लिख लो। हमारे गाँव में ना एक कहावत है, खींचे तो घपा घपचे। ट्रांसलेट कर। ही मतलब पैसा। और घपा घप सेक्स। अंडरवर्ल्ड से दोस्ती करेगा तो प्रेस वाले पीछे पड़ेंगे ही ना। संजू, मंगलसूत्र कहाँ है? Where is my bloody मंगलसूत्र? मुझे कुछ नहीं पता था बम ब्लास्ट के बारे में। कोर्ट में बोला कि मुझे सब पता था। पूरा कंट्री टेररिस्ट बोलेगा? वो तो अब भी बोल रहे हैं। I'm not a terrorist। सोनम कपूर वैसे ही है जैसे पहले रहती है हमेशा। आपका बेटा बेल पे है, फिर भी अंडरवर्ल्ड के साथ बातें करता है। पिछली 12 फिल्में फ्लॉप है। इन शॉर्ट, फिनिश्ड। मेरा बेटा कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं है जो लौट कर वापस नहीं आ सकता। दादा पोर्ट से पानी आ रहा है, दादा प्लीज हेल्प। टाइगर है तू, टाइगर रोल। क्या नहीं है रोल? बाबा किधर है तू? शॉट रेडी है? अरे बहुत 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 ट्रैफिक है। ए मोहम्मद चक्कर, कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? उसको 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 हटा। अरे टैक्सी को हटाना। बाबा बाबा मैंने लैंडलाइन पे फोन किया। ऑसम ऑसम ट्रेलर बोले तो एकदम झकास ट्रेलर बनाया है राजकुमार ईरानी ने, और ये पिक्चर तो देखनी बनती है बॉस। अगर टीजर देख के संजू के फिल्म का आपने अंदाजा लगाया तो बिल्कुल गलत है। प्लीज एक बार ट्रेलर देखिए। और रणबीर कपूर ने सीरियसली अपनी एक्टिंग का एक लेवल सेट कर लिया है, और बहुत करीब है संजय दत्त के। सुपर ऑसम एक्टिंग, गजब का प्रोमो है, मजा आ गया। एक्टिंग रणबीर की लाजवाब है जैसे हमेशा होती है, देखने लायक फिल्म होगी। पूरी तरीके से राजकुमार हिरानी की फिल्म है, वो जैसे ही कोई भी कंटेंट होता है, बोरिंग भी कंटेंट होता है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। और बार बार याद दिला रहा था संजय दत्त की जो पुरानी फिल्में राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट की थी उनकी याद दिलाता है ये ट्रेलर, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत शानदार होने वाला है। अब आप ये ट्रेलर देख के ना आपको मज़ा आ जाएगा। अमेजिंग अमेजिंग ट्रेलर है। मतलब ट्रेलर देखने के बाद लग रहा है संजय दत्त की एक्टिंग, उसकी बायोग्राफी रणबीर कपूर से अच्छा कोई नहीं कर सकता था। एकदम ऐसे लग रहा है जैसे संजय दत्त का ना डिटो कॉपी खड़ा कर दिया। मजा आ गया, बहुत बढ़िया ट्रेलर है। ऑसम ट्रेलर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रणबीर कपूर के लिए ही ये पूरी कहानी लिखी गई थी। आपने हर एक पार्ट को उन्होंने बखूबी निभाया है। सबसे बेस्ट अगर किसी का जो लगा मुझे डायलॉग एंड रोल, वो है परेश रावल, यानी कि सुनील दत्त का रोल। ऑसम रणबीर।